हेलो ऑल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। अगर इसका पहले की पोर्शन जिसने मिस कर दी है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप वो एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड थंब रूल। सो लेट्स गो थ्रू इट। सो देखो, जो राइट हैंड थंब रूल है वो किस हैंड का बात कर रहा है, राइट हैंड, ठीक है। और स्पेसिफिकली फिर किसको यूज कर रहा है, वो थंब रूल। क्या थंब रूल मतलब, राइट हैंड यूज करना है, थंब यूज करना है, और ये उससे एक रूल बनाया है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल का फायदा क्या है, ये क्या करता है, हमको कन्वीनियंट वे देता है। क्या कन्वीनियंस देता है, कि आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। तो एक स्टेटमेंट में अगर देखें तो क्या बोल रहा है वो, कि अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब राइट हैंड थंब रूल में करना क्या है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है कि आपको पहले तो एक आइडेंटिटी, फिगर 12.7 में देखिए, फर्स्ट ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मेरा डायरेक्शन ऑफ द करंट ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ये हमने कर लिया फाइंड आउट। सेकंड आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड को लेना है एंड उस वायर को या उस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ना है। एक बार आपने उसको पकड़ लिया तो उसको पकड़ने की कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, देखो, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। पहला क्या है, आपको राइट हैंड में उस कंडक्टर को पकड़ना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपको ऐसे पकड़ना है सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऐसे पकड़ना है जैसे कि पहले आपने डायरेक्शन निकाल लिया था, फिर क्या किया, राइट हैंड से उसको पकड़ा, फिर क्या हो गया, अपने थंब को उसके डायरेक्शन ऑफ द करंट के डायरेक्शन में रखा, ठीक है, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब बचे आपके फिंगर्स, राइट हैंड के बचे फिंगर्स। अब ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे या जिस डायरेक्शन में वो उस वायर को पकड़ेंगे या जिस डायरेक्शन में उस वायर को वो रैप करेंगे, वो बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो एग्जाम में अगर आएगा डेफिनेशन की, डिफाइन राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ थंब रूल के पास एक स्टार दिया हुआ है, वो हम जाएंगे देखेंगे पेज के नीचे एक क्या है, इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे क्या है आगे। अब देखो, आपने एक बार मैं बता दूं कि आपने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में थंब को रखा, उसके बाद ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है तो वो इस डायरेक्शन में कर्ल हुए, तो आपका आ गया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपका निकल गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो, अ करेंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ठीक है, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले आपको देखना है क्या, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है। हॉरिजॉन्टल पावर लाइन मतलब क्या हो गया, इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल टू द ग्राउंड एक स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फ्लोज इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो मेरा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट मेरे को निकालना इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया मेरा ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। एक तो वो क्या कर रहा है, बिलो इट का बात कर रहा है, और एक क्या बात कर रहा है, पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दो डायरेक्शन आपको बताना है, नहीं, आपको दो डायरेक्शन नहीं बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन करंट है वो हमने निकाल दिया, करंट किस में है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, हमने एरो मार्क दे दी। अब क्या करना है, अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, आपको इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। देखिए, ये जो ऊपर वाली फिगर है, ये इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर है, नॉर्थ टू साउथ
आप अपने बुक को घुमा दो, बुक को घुमा के ऐसे घुमाओ कि ये वाली पोर्शन इधर आ जाएगी, मतलब ईस्ट में आ जाएगी, और ये वाली पोर्शन किधर चली जाएगी, वेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, एक ये लूप बनेगा, ऐसे ये एक लूप बनेगा। आप एक बार रोटेट करके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नहीं है तो आप क्या करो इसमें अपने पेन को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, निब को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रख के आप अपने थंब को निब के डायरेक्शन में रख दो, और ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं वो आपको बता देंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया, तुम कहीं भी एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर एक डायरेक्शन है, नीचे एक डायरेक्शन है, क्या नहीं, ये या तो क्लॉकवाइज में घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए हैं, वो हम समझेंगे। एक तो टर्म यूज किया है वो टर्न्स क्लॉकवाइज, और एक टर्म यूज किया है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझो, सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमता है, वो इस ऐसे ऐसे घूमता है क्लॉक। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमता है वो डायरेक्शन अगर आप लोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है कि घड़ी के जो फिंगर्स होते हैं वो अगर इस डायरेक्शन में घूमते हैं, उसके इस डायरेक्शन में घड़ी के फिंगर्स घूमते हैं, और अगर हम उसके अपोजिट घूमें, ठीक है, घड़ी ऐसे घूमता है, ठीक है, और अगर हम उसके अपोजिट घूमें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पर क्या है कि डायरेक्शन आपका क्या निकल रहा है, डायरेक्शन आप अगर इसको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखते हो तो आपको आप इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर आप ईस्ट के एंड से देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। और जब आप वेस्ट के एंड में देखोगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। वो आप इस फिगर को उल्टा करके देख लो, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। अभी हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लिया किधर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो किसका निकालना है, करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे और उसके डायरेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में हम क्या यूज कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब ये बोल रहा है कि सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप, ठीक है। आपने क्या किया, उसको बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया, एंड उसके बाद उसमें करंट पास किया, एंड ए करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। तो ये क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसा दिखता है। तो आपको एग्जाम में ये वाली फिगर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, ये वाली फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी रहेगी, वो आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये बोल रहे, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है, इनवर्सली मतलब क्या हो जाता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये कमेगा, वाइस वर्सा। तो हमने वो देखा ही था कि अगर हम लोग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जितना पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ जाता है। सो यहां भी वही है, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हर पॉइंट पे
क्या है, द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जितना आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़े होते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ बिग सर्कल्स वुड बी अपीयर एज स्ट्रेट लाइंस। सो आप जितना दूर जाते जाओगे कंसेंट्रिक सर्कल जब जाएगा तो जितना दूर जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप में स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो ये बताना चाह रहा है, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, देखो जितने बड़े सर्कल रहेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे ये फिगर 12.8 में, तो ये जो एंड्स है, ठीक है, एंड्स में हमारा क्या हो रहा है कि एंड्स में हम लोग अगर देखेंगे तो मैं इसे कलर कर देता हूं, तो एंड्स में देखो ये सर्कुलर लूप बन रहे हैं, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम दूर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम यहां से दूर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, स्ट्रेट होते जा रहा है। देखो ये क्या होते जा रहा है, स्ट्रेट होते जा रहा है। तो ये इसका पैटर्न बता रहा है कि अगर आप क्या करोगे, एक सर्कुलर लूप लेते हो तो उसका जो कॉर्नर आएगा, जो बेंड आएगा, बेंड में आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल जाएंगे, दोनों बेंड में आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आप लूप के सेंटर में आते जाओगे तो लाइंस क्या हो जाएंगे, आपको पैरेलल पैरेलल दिखने लगेंगे। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. अगर आप इस पूरे सर्कुलर लूप को क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, तब आपको इजिली ये पता लग जाएगा कि इसमें हम हर एक पॉइंट को हम राइट हैंड थंब रूल डालेंगे और हर एक पॉइंट कंसिडर करेगा क्या कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इस तरीके के पैटर्न आपके आएंगे, आप एक लूप को पकड़ के राइट हैंड थंब रूल डाल के आप अप्लाई करके देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस मार्क दिखाया है, ये प्लस मार्क से करंट गया इस डायरेक्शन में, करंट जाके घूम के फिर इस डायरेक्शन से वापस माइनस में निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम प्रैक्टिस करके रखना है, ये एग्जाम में आपका आएगा। इसमें बस यही है कि आपका जो एंड है वो एंड में देखो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों एंड में, और जैसे जैसे आप सेंटर के ऑफ द लूप की तरफ आओगे वैसे वैसे आपके लाइंस क्या होते जाएंगे, पैरेलल होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बोले थे कि जो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं उसको, और ये क्या होता है, इफ वी कंसिडर आवर सेल्फ ड्राइविंग ए कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में हम थंब रख रहे थे, हम उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक स्क्रू लेंगे और उस डायरेक्शन में उस स्क्रू को घुमाएंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो रोटेशन हो रहा है वो आपका बता देगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो स्क्रू अंदर जाएगा वो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जिस डायरेक्शन में वो घूम के जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं कि वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करेंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द करेंट पासिंग थ्रू इट। ये हमने पढ़ा था कि अगर आगे की वीडियोज में हमने देखा था कि अगर करंट ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग रहेगा, करंट कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉयल हैविंग एन टर्न्स, हमने अभी क्या देखा कि हमने एक कॉयल लिया, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मैं एक स्ट्रेट वायर लेके बताता हूँ आपको, इजी होगा। सपोज हमने एक वायर लिया तो उसने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, ठीक है, मैंने और एक वायर लिया तो उसने भी अपने मैग्नेटिक फील्ड इसके आजू बाजू में प्रोड्यूस की, मैंने और एक वायर लिया तो उसने भी अपने मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस की, मैंने और एक वायर लिया उसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, ठीक है। ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ये सबको बहुत क्लोजली ऐसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, अगर हम लोग उसमें सारे कंडक्टर्स में एक ही डिरेक्शन में करंट क्या करें हम लोग पास कर दें तो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। तो देखो, इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, n टर्न्स मतलब उसमें n टर्न्स गए हैं, मतलब n कॉइल्स गए हैं, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स लार्जर एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न। सिंगल टर्न जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, आप जितने टर्न्स बढ़ा दोगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने स्ट्रैंड्स आप बढ़ा दे रहे हो, ओके। सो दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है क्यों ऐसे डबल हो जाता है, तो दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन एड्स अप। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, जो मैंने आगे की फिगर में बना के दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये आपका एक मतलब इतना ड्राइंग इतना ये वाला पूछता नहीं है, बट फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करके रखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। तो सर्कुलर कॉयल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एक बैटरी लेना है प्लस माइनस, और प्लस से करंट को की से निकालते हुए इधर लेके जाना है, और ये क्या किया कॉयल में दे दिए। अब देखिए ये कॉयल में सारे, इसमें ये कॉयल बहुत सारे वायर से बने हुए हैं, बहुत सारे कंडक्टर से बने, और सब में एक ही डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फिर वो वहां से लौट के यहां से वापस बैटरी में आ गया, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि यहां पर ये वाला क्या हो गया, इसके पास हो गया ये हमने क्या देखा था कि सेंटर में पैरेलल लाइंस आएंगे, तो ये देखो यहां पर क्या हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल गए आपको, यहां पे क्या हो गया कंसेंट्रिक सर्कल मिल गए, और बीच में है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड, ये जो सॉलिनॉइड है, हम अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो हम लोग ये सॉलिनॉइड के लिए ही पढ़ रहे थे। आप देखो ये सॉलिनॉइड क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड समझना है। फर्स्ट हम समझेंगे कि सॉलिनॉइड क्या होता है, ठीक है। सॉलिनॉइड क्या होता है, तो देखो एक कॉयल ऑफ डेफिनेशन ऑफ सॉलिनॉइड क्या हो जाएगा, ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए सॉलिनॉइड, इज कॉल्ड ए सॉलिनॉइड। तो इसको मैं आपको कैसे इजीली याद होगा, मैं ट्राई करता हूं आपको बताने के लिए कि आपको आपको इजीली याद हो जाए। देखो सबसे पहले हमको जानना है सॉलिनॉइड क्या है, ठीक है, सॉलिनॉइड जानना है। तो सॉलिनॉइड फर्स्ट है कि ये किससे बना है, ये किससे बना है, एक कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब आपने एक तार लिया उसकी एक कॉयल बनाई, एक तार लिया उसकी एक कॉयल बनाई। देखो हम यहां बनाता हूं, ये एक कॉयल लिया, ऐसे मेरे बहुत सारे कॉयल्स मैंने लिए, बहुत सारे कॉयल्स लिए और सबको जोड़ के एक में ही बना दिया, सबको क्या किया मैंने एक में ही जोड़ दिया, एक में क्या किया इसको जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, अ कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। तो अगर सॉलिनॉइड के फॉर्म में हम दिखाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, देख रहे हो, कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, ओके। तो डेफिनेशन का फर्स्ट समझ में आ गया कि अ कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर टर्न्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन रहेगा, कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन रहेगा, और इंसुलेशन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकलने से, किसी को शॉक वगैरह नहीं लगेगा। सो ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है,
रैप्ड, रैप मतलब जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं ना, रैप कर दिए मतलब किसके अंदर डाल दिए, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, किस शेप में उसको रैप कर दिए, क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। और सिलेंडर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, उसका एक रेडियस हो जाता है और उसका एक हाइट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिनॉइड। तो फाइनली हमारा सॉलिनॉइड क्या हो गया कि अ करंट कैरिंग ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड एज ए सॉलिनॉइड। ठीक है, अब हम समझेंगे द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कैसा होगा। देखो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि देखो इसको कंपेयर करना है आपको एक बार मैग्नेट से, इसको कंपेयर करना है आपको एक बार मैग्नेट से। ठीक है, देखो मैं इधर एक बनाता हूं, मैं एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने बार मैग्नेट में क्या देखा था कि जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाके घुसते हैं, किधर, बाहर में। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, कहां से कहां मूव करता है वो, साउथ से नॉर्थ में, हमने पढ़ा था, तब जाके वो क्लोज लूप बनाता है, वो अंदर कैसे मूव करेगा, साउथ से नॉर्थ, और ये क्लोज लूप बन जाता था। अब हम लोग देखेंगे सॉलिनॉइड में कैसा है। देखो सॉलिनॉइड में भी क्या हो गया कि ये जो सॉलिनॉइड है, ये देखो यहां से यहां तक सॉलिनॉइड है, मैं उसको कलर करता हूं, ये जो सर्कुलर टर्न है, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, देखो ये हो गया मेरा, ये वाला हो गया मेरा सॉलिनॉइड। ठीक है, अब उसको मैंने पावर अप किया है किससे, एक बैटरी से पावर अप किया है ना। अब बैटरी का एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, की मैंने क्लोज कर दिया, तो इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो होना चालू हो गया, सॉलिनॉइड में क्या हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होना चालू हो गया तो हमको पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखा गया कि जो सॉलिनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कैसे बनाया, देखो ये नॉर्थ से निकला, ये फिर कहाँ जा रहा है, देखो नॉर्थ से निकल के गया साउथ में, और मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ में मूव हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, एक बार मैग्नेट की तरह क्लोज लूप में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है नीचे, फिगर 12.11। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कॉयल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट, इसको बोलेंगे क्या, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, वापस से इस पैराग्राफ में जाते हैं, उसको समझते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अगेन सॉलिनॉइड को, मैं एक डायग्राम बना के आपको और एक बार समझाऊंगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो कंपेयर द पैटर्न ऑफ फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट, डू दे लुक सिमिलर, यस सिमिलर है वो, हमने देखा कि नॉर्थ से बार मैग्नेट में भी नॉर्थ से साउथ निकल के जा रहा था, नॉर्थ से निकल रहा था साउथ में घुस रहा था, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रहा था, और यहां भी वही हो रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है और सॉलिनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में कभी कभी बनाने के लिए आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ किसका, सॉलिनॉइड का, तो आपको बार मैग्नेट का ध्यान रख के आपको इसको बना देना है। अब देखो इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सॉलिनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल और दूसरा एंड बिहेव करता है साउथ पोल, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, हमको पता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि कॉयल के बीच में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिलने चालू हो जाएंगे किसके, कॉयल के बीच में। ठीक है, वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि जैसे ही हम लोग, ये देखिए जैसे ही हम लोग कॉयल के
बीच में आते हैं, ये वाला एंड है, ये वाला एंड है, कॉयल के बीच में आते हैं, तो लाइंस धीरे धीरे क्या होते हैं, पैरेलल होते जाते हैं। तो वही चीज वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिल गया तो इससे क्या पता चलता है कि दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड, क्योंकि पैरेलल हो गए। देखो लाइंस इधर देखिए, लाइंस अगर ठीक है ऐसे ऐसे हैं, ठीक है लाइंस अगर आके कहीं पे कन्वर्ज हो रहे हैं, जो कि हमेशा किधर एंड्स में होता है ना, मैग्नेट के अगर एंड्स में आप देखोगे, जो मैंने बार मैग्नेट बनाया उधर देखो, तो मैग्नेट के एंड्स में क्या हो जाता था, हमारा फील्ड लाइंस क्या हो जाते थे, बहुत क्राउडेड हो जाते थे, तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता था, समझ गए। और अगर ये फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाता है, फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अब ये फिगर में देखो, ये इस दूसरे साइड में जो जहाँ पे मैंने सिलेंडर बनाया है उस साइड के फिगर में देखो कि हमारा क्या हो जाता है, जब ये क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर फिगर है वो क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, चेंज होके यहाँ पे आते आते चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर पैरेलल लाइंस रहे तो वो क्या बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द लाइंस बराबर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे सोलिनॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लायक ये है कि जो उसके अंदर जो फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो उससे फायदा क्या होता है कि दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड, और इसी से मालूम चलता है कि फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, मतलब चेंज नहीं होता रहता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या बनाया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉयल, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या बात कर रहा है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात कर रहा है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, कैसे इसको याद रखना है, देखिए आपको देखना है कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल एंड ए करेंट इज पास थ्रू इट, एंड ए करेंट इज पास थ्रू इट, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट जरूरी है, करंट जाएगा तभी कॉयल में क्या होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में बना देगा, कि जब जब करंट रहेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब करंट नहीं रहेगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ सोलिनॉइड का फंक्शन। वो जो फिगर 12.11 दिया हुआ है उसी हिसाब से कैसे बनाना है, मैं देखो उसको थोड़ा सा सिंपल करके आपको बताता हूँ, आपको इजीली समझ पाओगे। लेट मी ड्रॉ, ठीक है, ये देखो आपको एक सोलिनॉइड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब आपको जो करंट पास करना है देखो वो ऐसे रहता है, और ये वायर यहां से निकल गया। अब करंट क्या हो गया, यहां पे पास हुआ और ऐसे गया, तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट सब में सेम आ जाता है। देखो ये करंट ऐसे गया, ऐसे घूम के नीचे से, फिर ऐसे घूम के, फिर पीछे से, फिर ऐसे घूम के, फिर पीछे से, इधर से निकल गया। तो ये जो करंट हमारा निकला, ठीक है, तो ये देखो सब में डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम हो गया, डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम हो गया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, तो क्या हो जाएगी, सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरीके के रहेंगे, वो सारे कंबाइन होके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो ये डायग्राम में खास बात क्या देखना है कि ये इस तरीके से जाके घूम के जब वापस आ रहा है, मैंने जो बताया, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये जो करंट है ये क्या है, सारा डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सारे की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी और ये कंस्ट्रक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बना के एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। जब जब आप करंट पास करोगे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, जब जब आप क्या करोगे करंट को बंद कर दोगे ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एक कार्गो का एग्जांपल दिया था कि बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं ट्रेन में और फिर उस ट्रेन का जो डब्बे हम लोग खाली करते हैं, जो कार्गो खाली करते हैं, वो कैसे करते हैं, मैंने आपको एक फिगर में बताया था, एक बार और बताता हूँ। जो हम लोग का ट्रक्स वगैरह आते हैं ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है, कार्गो रहता है ठीक है। अब ये कार्गो को हमको होल्ड करना रहता है, तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं ठीक है। एक गाड़ी रहता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, वो क्या करता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा और ये ड्राइवर क्या करेगा, उसको इसके पास ले आएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो है वो इसको इस तरीके से होल्ड कर लेगा, इस डब्बे को इस तरीके से होल्ड कर लेगा, गाड़ी क्या हो जाएगी, नीचे रह जाएगी और इसको क्या करेगा, होल्ड करके क्या करेगा, साइड में लाके, इसको साइड में लाके इधर वो डब्बे को लाके उसको रखना है ठीक है। अब वो इधर लेके आ गया, अब करंट चालू कर दिया और ये प्लेट ने क्या किया, इसको मैग्नेटाइज करके इसको पकड़ के रख लिया ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड है और इसको यहाँ पे लाना है, तो वो क्या करेगा, इसको धीरे धीरे नीचे लाएगा, नीचे लाके क्या करेगा, जब ग्राउंड ये टच कर लेगा तो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिज्म इसमें था वो क्या करेगा, करंट की सप्लाई को क्या करेगा, बंद कर देगा। जैसे ही करंट की सप्लाई को बंद कर देगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये डब्बा क्या हो जाएगा, फ्लोर पे रह जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े हैवी लिफ्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो आप ट्राई कीजिए और अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियोस बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हम फोर्स कैसे डिसाइड करेंगे ठीक है। तो अब यहां पर एक अभी तक हमने जो पढ़ा उससे नया चीज क्या आ गया, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें नया चीज एक आ गया, क्या, फोर्स, क्या आ गया, फोर्स ठीक है। अब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हमको पता है, हमने आगे भी पढ़ लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, तो अब ये क्या बात करने लगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर से हमको ये तो मालूम चल गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन हम अभी ये जो हेडिंग दिया है उससे वो क्या कहना चाहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये देखो इधर ये ए बी जो है, ये फिगर 12.12 में देखो नीचे, ये ए बी जो है वो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैं उसको कलर किया, देखो ये ए बी जो है, ये जो हाईलाइटेड है वो क्या है, ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि देखो ये रहा बैटरी जो कि करंट सप्लाई कर रहा है, तो ये करंट यहां से जाके इधर जाके यहां से इस ये कंडक्टर से पास होके फिर वापस आके बैटरी में आ गया, तो ये हो गया मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है। डायग्राम में ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का, क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कौन बना रहा है, ये मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला मैग्नेट। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का बात किया, एक मैग्नेटिक फील्ड का बात किया, अब लास्ट में बचा ये वाला हेडिंग, क्या, फोर्स। तो इस फिगर में क्या कहना चाहता है कि देखो ये सिंपल सी बात है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक मैग्नेट, ये यहां पे एक मैग्नेट रखा है इसने, बराबर, तो इसने एक यहां पे एक मैग्नेट यूज किया,
ये हो गया मेरा मैग्नेट, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है। अभी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इसमें करंट आ जाएगा तो ये भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो अब आपकी ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब हो क्या गया, करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट बन गया और यहाँ पे एक मैग्नेट पहले से ही था। तो जो दो मैग्नेट की रूल्स है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम करनी चालू कर देगी, है ना। तो इस वो प्रॉपर्टी का मतलब, उसको अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट दूसरे में, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक फोर्स डालता है, ठीक है। वो जो फोर्स होता है वो क्या हो सकता है अपना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कुछ नहीं है, अगर रिपेल भी कर रहा है तो उसको धक्का देके हटा दे रहा है, और अट्रैक्ट भी कर रहा है तो वो अपनी तरफ उसको खींच ले रहा है, मतलब वो एक क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे कि वो क्या चीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्या मैं क्या मेंशन किया हुआ है, देखो, वी हैव लर्नड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया कि किसी में भी, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर, यही हो गया, है ना। तो ये तो हमको, हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे हम लोग मैग्नेट रख के एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड बेस्ड ऑन वो लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। अब जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको जो समझाया वो यही बात बोलना चाहता है कि दो मैग्नेट आपस में एक पास आ गए तो वो चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू से हो या वो एक सिंपल मैग्नेट हो, वो मैग्नेटिज्म जहां पे आ गई दो चीजों में तो वो बेस्ड ऑन लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अपने ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते रहेंगे, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू से आप समझेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, सो इधर दिया हुआ है अ करंट कैरिंग रॉड ए बी है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसको जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे है, तो ये क्या दिया हुआ है, सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हियर फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब मैग्नेट आप कैसे हैंग करोगे वो आपको देखना है। अब देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड। हम एक्टिविटी को समझेंगे अभी, देखिए एक्टिविटी क्या बोल रहा है, टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी, एक एल्यूमिनियम की रॉड लिए ए बी, और हमने क्या किया, दो कनेक्टिंग वायर लिया और उससे क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए स्टैंड, उसको क्या किया सस्पेंड कर दिया, मतलब क्या किया लटका दिया। अब क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू शेप्ड मैग्नेट, ये हॉर्स के शू की तरह दिखता है इसलिए इसको हॉर्सू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। तो ये हॉर्सू शेप्ड मैग्नेट को हमने क्या किया कि ले लिया इन सच ए वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये रॉड क्या हो रहा है, ये दोनों पोल जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उन दोनों के बीच में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट अब क्या बता रहे, देखो, पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है।
आप अगर क्या करोगे, नॉर्थ पोल कहाँ रह रहा है, नीचे रह रहा है, और साउथ पोल कहाँ रह रहा है, ऊपर रह रहा है। अब क्या हो गया, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद अ बैटरी, अ की एंड ए रियोस्टार्ट। हमको क्या करना है, उसको इस तरीके से अरेंज कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अब हम करंट पास करेंगे, नाउ पास ए करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। ये मैंने आपको समझा चुका है, ये आप जैसे प्लस से आपको करंट कहाँ जाएगा, इधर, यहाँ से इधर होते हुए, यहाँ से इधर होके निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप करंट पास करोगे, ये मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेट जब बन जाएगा तो ये जो दो एंड है, ए और बी, ठीक है ना, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये तो लाइक पोल्स या अनलाइक पोल्स का प्रॉपर्टी के हिसाब से वो रिपेल करेगा या अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स उसके ऊपर आएगा। तो अब इसमें ये भी चीज बताएगा कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि रॉड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे करते हो तो रॉड क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ओके। और जब लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है तो अगर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, ठीक है, इसके अंदर अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो फोर्स एक्सर्ट हुआ था, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हुआ था, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगा। तो वो वही कहना चाहता है कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड। अगर आप करंट रिवर्स करते हो तो क्या हो जाएगा, और फिर उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले लेफ्ट की तरह डिफ्लेक्ट कर रहा था तो अब क्या हो जाएगा, राइट की तरह डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो कहना क्या चाहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। ये हमने समझ लिया कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो यहां पर नोट डाउन करने के लिए क्या क्या आ गया, एक आ गया कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिज्म भी रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हमने आगे पढ़ा था जब हम लोग कॉम्पास नीडल की डिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे थे, तो ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्या बोल रहे हैं कि नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मतलब पहले हमने क्या किया था, नॉर्थ को नीचे रखा था, साउथ को ऊपर रखा था। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, साउथ नीचे आ जाएगा, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, मैग्नेटिज्म रिवर्सल कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटिज्म रिवर्सल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, देखिए, तो वापस से क्या हो जाएगा, देखिए, मैग्नेटिज्म आपने रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जो डिफ्लेक्शन, जो उसका फोर्स था, वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड ऑल्सो गेट रिवर्स, होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दोगे तो फोर्स जो अप्लाइड था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या आप करंट को कांस्टेंट रखते हो और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हो तो भी क्या हो जाएगा, फोर्स रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब फोर्स कब हाई रहेगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
ये और एक क्वेश्चन हो गया कि when will be the displacement of the rod largest, displacement of the rod सबसे ज्यादा कब होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो उस पर लगेगा वो सबसे ज्यादा कब हमको मिलेगा, वो कब हमको मिलेगा जब आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो क्या है राइट एंगल पे रहेगा, किससे राइट एंगल पे रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है अगर आप एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखते हो तो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है किस पे, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इससे एक रूल बन के आई बाद में, ये जो रूल आई वो क्या हो गई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानी गई, किस रूल से जानी गई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है देखेंगे, तो इधर आगे हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये डेफिनेशन आता है एग्जाम में, पूछता है कि डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करना है आपको, स्ट्रेच द थंब को लेना है, फोर फिंगर को स्ट्रेच करना है और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है, और कौन से हैंड का, लेफ्ट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड का तीन फिंगर्स हमारे यूज होंगे, थंब, ठीक है, फोर फिंगर और एक कौन सा फिंगर यूज होगा, मिडिल फिंगर, इन तीनों फिंगर को आपको स्ट्रेच करना है, कंडीशन क्या है, आपको कैसे स्ट्रेच करना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसे स्ट्रेच करना है आपको, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब देखो, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये जो फोर फिंगर आपने लिया ये कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फिगर 12.13 में देखिए, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तब क्या होगा, ये जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ द मोशन या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताएगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से पढ़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये फर्स्ट फिंगर की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एग्जाम में पूछता है डिफाइन करने के लिए, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की आप क्या करो, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ कि ये कहाँ पे यूज होता है, तो डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर्स में, माइक्रोफोन्स में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कभी ऐसे भी दे सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन विच रूल, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे यूज होता है या बेस्ड है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है, लाउड स्पीकर भी है, माइक्रोफोन्स भी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तो बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं बोल रहा है, बट क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि डिवाइस नेम द डिवाइसेस दैट यूज, क्योंकि यहाँ पर जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, इलेक्ट्रिक जनरेटर के, लाउड स्पीकर के, माइक्रोफोन्स के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, वो ये बता रहे हैं कि आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आएगा और राइट हैंड रूल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का राइट हैंड रूल नहीं दिया हुआ है और सिंपल पहले के कोर्सेस में रहते थे, बट अभी राइट हैंड रूल इसमें हम लोग का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो
तो इसीलिए जनरली सिर्फ हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल ही दे दिया है। ओके, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सब दूसरे रूल्स के ऊपर भी बेस्ड है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर कंक्लूजन क्या लेना है कि डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म का डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी का डिपेंडेंस मैग्नेटिज्म के ऊपर, ये जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कौन से डिवाइसेस में यूज होते हैं, वो आपके यूज होंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो मैंने जो पहले कहा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ये बेस्ड है, ऐसा नहीं है, ये मिक्स्ड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 12.2 डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 12.2 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए फिगर में कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट एंगल में एंट्री किया, ये ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बोलता है क्या, टू द राइट हो जाएगा, टू द लेफ्ट हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज हो जाएगा, इन टू द पेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या अप्लाई करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम देखेंगे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अब आप क्या करो, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको इस हिसाब से अरेंज कर लो ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, फोर फिंगर इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका फोर फिंगर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आप अपने फोर फिंगर को पॉइंट कीजिए। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर हो जाएगा, इस तरफ, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर आ गया हमारा मिडिल फिंगर, और अब हमको निकालना है क्या, फोर्स। तो फोर्स हमारा किधर जा रहा है, आप अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज करके देखिए कि लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, ठीक है, विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर फिंगर को मैंने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट कराया, मिडिल फिंगर को किधर पॉइंट कराया, डायरेक्शन ऑफ द करंट में, ठीक है। तो आपका थंब देखना नीचे की तरफ जाएगा, आपका अगर इस तरीके से अरेंज करोगे तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टेड इनटू द पेज। आप एक बार अरेंज करके देख लो, ठीक है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप अपना लेफ्ट हैंड को पकड़ो, ठीक है। लेफ्ट हैंड को पकड़ने के बाद ये जो फोर फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके। एंड देन क्या करो, करंट है, करंट को क्या करो, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब आप ऐसे हाथ अरेंज करो कि आपकी मिडिल फिंगर कहाँ आ जाएगी, ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखना आपका थंब किधर चला जाएगा, नीचे डायरेक्शन में। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि इनटू द पेज जा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस, आप जरा देखो इसमें, अगर आपको कुछ भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में करिए, नहीं तो मैं एक वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने के ऊपर बना दूंगा। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जो बॉक्सेस में दिए हैं, बट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन भी यूज होता है, वो कैसे यूज होता है हम देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको मालूम है, ठीक है। इवन वीक आयरन करंट्स दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व सेल इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब हमारे जो बॉडी में आयन्स हैं, वो जो मूव करते हैं नर्व सेल्स में, तो वो भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। अब देखो, when we touch something, our nerves carry an electric impulse. हमारे nerves में क्या होता है? Electric impulse होता है। तो when we touch something, our nerves carry an electric impulse, और वो किसको देता है? To the muscles we need to use. जो कमांड जाती है वो कैसे मालूम चलती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स किस में जाता है? मसल्स में, और वो मसल्स में ही जाता है जिस मसल को हमको यूज करना है, और उसको कमांड कौन दे रहा है? हमारे नर्व्स, ठीक है। तो दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस अ टेंपरेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टेंपरेरी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दिस फील्ड्स आर वेरी वीक एंड अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1 बिलियंथ है, मतलब 1/बिलियन टाइम्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे बॉडी में दो मेन ऑर्गन, टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दिस सिग्निफिकेंट। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे बॉडी के अंदर, इसी बेसिस पे, ठीक है, यही बेसिस है किसका? टू फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हम जो बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट इमेजेस निकालते हैं वो इसी के वजह से पॉसिबल है कि हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये किस टेक्निक से किया जाता है? दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने सुना होगा कि MRI कराया है, ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और उसके बाद ये जो इमेज हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ली जाती है, तो उसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग। एनालिसिस ऑफ दिस इमेजेस हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो इससे हमको पता चलता है कि जो मैग्नेटिज्म है हैज दस गॉट इम्पॉर्टेंट यूजेस इन मेडिसिन ऑल्सो, मतलब मेडिकल फील्ड में भी मैग्नेटिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि अगर हम लोग मैग्नेटिज्म अच्छे से समझें तो मेडिसिन फील्ड में जब आप लोग आगे की आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। अब हम पढ़ेंगे हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, क्योंकि ये हमारे घर पे हमारे आंखों के सामने रहते हैं, और इसको हम समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे से चैप्टर की क्लैरिटी भी आएगी, और हमको हमारे आसपास जो चीजें हैं उसके बारे में भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, हमारे घर में, इन आवर होम्स, हमारे घर में क्या आता है? इलेक्ट्रिक पावर आता है, ठीक है। हमारे घर में क्या आता है? वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब ये इलेक्ट्रिक पावर कहां से आता है हमारे घर के अंदर? एक मेन सप्लाई के थ्रू से आता है, ठीक है। ये तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस। अब ये जो मेंस है वो किसके सपोर्ट में रहता है? या तो वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स के सपोर्ट में रहेगा, या अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू से आता है हमारे घर में, ठीक है। तो पहले 3 लाइन में क्या बोल रहा है? हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक पावर आता है उसका एक मेन सप्लाई रहता है, और मेन सप्लाई से सारे घर में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हमारे घर में वो 2 तरीके से आता है। या तो वो, आप घर से बाहर निकल के देखो, आपका जो मेन मीटर है वो मेन मीटर में जो केबल आई है वो क्या है? या तो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल से आई है, रास्ते के साइड में ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहां से आई है, या अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू से आती है। अब उसमें जो वायर है उसमें से एक वायर को क्या बोलते हैं? सप्लाई वायर। वन ऑफ द वायर इज सप्लाई, ठीक है, यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन कवर। तो नॉर्मली रेड कलर को हम लोग इंडिया में क्या लेते हैं? सप्लाई के रूप में हम यूज करते हैं। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड द लाइव वायर, जिंदा लाइव वायर बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वायर, क्योंकि उसमें क्या रहता है? करंट रहता है। दूसरा वायर क्या है? लाइव वायर और पॉजिटिव वायर उसको बोलते हैं। दूसरा वायर जो आता है वो क्या होता है? अनदर वायर विद द ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल वायर और द नेगेटिव, ठीक है। तो 2 वायर आए, एक हो गया पॉजिटिव वायर और एक हो गया नेगेटिव वायर, या आप उसको बोल सकते हो लाइव वायर या न्यूट्रल वायर,
ठीक है। तो इन आवर कंट्री मतलब इंडिया में, इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट्स। और आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई है, बट इलेक्ट्रिसिटी मैं उस पर भी बनाऊंगा एंड आपके साथ शेयर करूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसका सबसे एग्जांपल क्या है कि सपोज एक टेबल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ पानी के ड्रॉप्स टेबल के ऊपर क्या किए, गिरा दिए, ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये अगर ये टेबल पूरा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड है, पैरेलल टू ग्राउंड है, तो ये पानी इस पे ट्रैवल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे हाइट डिफरेंस हो, ठीक है, तो मैं अगर पानी की ड्रॉप यहाँ पे गिराऊं तो वो क्या हो जाएगा, फिशल के पानी की ड्रॉप यहाँ तक पहुंच जाएगी। मतलब क्या हुआ, इनके बीच में क्या है, हाइट की डिफरेंस है, इसलिए ये पानी नीचे आ गया। सिमिलरली हमको करंट को ट्रैवल कराना है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट ट्रैवल नहीं होगा। ओके, तो हमारा कंट्री में कितना मेंटेन करते हैं, हमारे कंट्री में मेंटेन करते हैं 220 वोल्ट। ये आप याद रखिए, दो तरीके के वायर आते हैं, एक लाइव वायर आता है विद रेड इंसुलेशन कवर और एक ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर होता है या नेगेटिव वायर होता है विद द ब्लैक इंसुलेशन कवर, ठीक है। तो ये तो हम क्या हो गया, हम आगे कहां तक कि हमारे घर में मेन मीटर तक दो वायर आ गए। ओके, अब क्या हो गया, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, क्या एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, ठीक है, दिस वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ठीक है। तो मीटर बोर्ड में ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाते हैं थ्रू ए मेन फ्यूज, थ्रू अ मेन फ्यूज, एक फ्यूज दिया रहता है उसमें, ठीक है। दो थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, ठीक है, फ्यूज में लग गया। अब ये जो मेन स्विच है, मेन स्विच से हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं किसमें, अपने घर में। दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, मतलब हाउस के अंदर वो एंट्री करता है थ्रू अ मेन स्विच, ठीक है। तो कुछ काम करना रहा तो आप मेन स्विच बंद करके भी कर सकते हो सेफ्टी के लिए, वो हम आगे समझेंगे। अब क्या हो गया, ये जो थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस, घर के अंदर डिफरेंट तरीके की सर्किट्स रहती हैं, जैसे लाइट की रहती है, फैन की रहती है, उसके बाद हमारी जैसे गीजर हो गया, जो हाई पावर एप्लीकेशन गीजर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स के हमारी सर्किट्स रहती हैं, ठीक है। तो दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस, तो इतना तो मालूम चल गया, मीटर बोर्ड रहता है, एक मेन फ्यूज रहता है, एक मेन स्विच रहता है, फिर मेन स्विच से हमारे घर में वो वायर्स एंट्री करते हैं, ठीक है। और घर के अंदर क्या है, सेपरेट सर्किट्स, घर के अंदर क्या है, सेपरेट सर्किट्स, ठीक है। तो जनरली क्या है, सिंपल घर की सर्किट्स बहुत सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, टू सेपरेट सर्किट्स ही यूज करते हैं। एक यूज करते हैं हम लोग 15 एम्पियर का करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद द हायर पावर रेटिंग्स, जैसे गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया एटसेट्रा, हायर रेटिंग के लिए 15 एम्पियर तक हम जाते हैं। और अदर सर्किट हम लोग क्या लेते हैं, द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर द बल्ब्स एंड फैंस, फॉर द बल्ब्स एंड फैंस। तो सिंपल करने के लिए जो इतनी सारी कैटेगरीज हैं हमारे घर में अप्लायंसेस में, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए दो सेपरेट सर्किट बना दिया, एक 15 एम्पियर का करंट रेटिंग का सर्किट बना दिया और एक किसका सर्किट बना दिया, 5 एम्पियर के करंट रेटिंग के सर्किट बना दी। 15 एम्पियर में उसने क्या किया, हाई पावर की, हाई पावर रेटिंग्स डिवाइसेस सच एज गीजर एयर कूलर्स ले लिए, और 5 एम्पियर की सर्किट में हमारे क्या क्या आ गए, बल्ब्स और फैंस आ गए, ठीक है।
अब एक आ गया अर्थ वायर, क्या आ गया अर्थ वायर, और उसके ऊपर कौन सा कलर का इंसुलेशन रहता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। मतलब ये किसके लिए किया जाता है, सेफ्टी के लिए, ये किसके लिए किया जाता है, सेफ्टी के लिए। तो एक बार और देखो, ये जो अर्थ वायर है, द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। हम अपने घर के पास एक गड्ढा करते हैं, उसके अंदर एक मेटल प्लेट डालते हैं, मतलब हम अर्थिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग बनाने की स्पेशल प्रोसीड्योर्स होती है, वो इस पॉइंट पे कवर नहीं कर रहा हूँ, आगे किसी वीडियोस में आपको अर्थिंग के ऊपर बताऊंगा। तो अभी देखो, सिंपल में समझने की कोशिश करो, द अर्थ वायर हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर और इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। अब अर्थिंग वायर का फंक्शन क्या है, अर्थ वायर क्या करता है, दिस इज यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर। सेफ्टी कैसे इंश्योर करता है वो देखो, स्पेशली फॉर दोज एम्प्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी, क्योंकि कोई मेटेलिक बॉडी है तो उससे हमको शॉक लगने का चांसेस रहता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जितने अप्लायंसेस बताए, इन सब में क्या रहती है, मेटेलिक बॉडी रहती है, और हम कभी कभी उसको, हम हमेशा इसके कांटेक्ट में रहते हैं, हम उसको टच करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा था, मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। तो मेटेलिक बॉडी हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो डिवाइसेस आपकी बन के आती है, उसके प्लग में देखना तीन पिन रहता है, ठीक है। तो उसमें से जो मोटी वाली पिन रहती है, वो हम लोग क्या क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, दस इट एंश्योर, तो इसमें हम क्या करेंगे, द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करेंट, विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करेंट। देखो, लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करेंट मतलब, देखो करंट को जहां रेजिस्टेंस कम मिलेगा वहां से वो मूव कर जाएगा, कहां पर, किधर भी उसको अगर हम लोग का लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ मिला तो वो उधर से मूव करना ही है। तो ये बताता है कि अगर किसी तरीके का लीकेज हुआ, ठीक है, करंट की लीकेज हुई, मतलब कोई वायर खराब हो गया, जो लाइव वायर है वो किसी मेटेलिक बॉडी से टच हो गया या खराब हो गया या उसका इंसुलेशन निकल गया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो करंट ट्रैवल कर जाएगी आपके मेटेलिक बॉडी पार्ट में। तो अगर किसी तरीके का कुछ भी लीकेज होता है, दस इट एंश्योर्स दैट, अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, इट एंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब वो अर्थ के साथ, हम लोग ने घर के पास एक अर्थिंग पीट बनाया है और अर्थिंग पीट में हमने क्या किया, वो मेटेलिक पार्ट ऑफ द अप्लायंस को हमने क्या किया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसके बराबर रह जाती है, अर्थ के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। इट एंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड द यूजर मे नॉट गेट ए सीवियर शॉक। अर्थ के बराबर पोटेंशियल रहेगा तो उसका क्या रहेगा, जो यूजर है उसको ज्यादा शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मे नॉट गेट ए सीवियर शॉक, और वो यूजर क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उसकी लाइफ बच जाएगी। इसलिए डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हमारा अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा उस डिवाइसेस के साथ हम हमेशा टच में रहते हैं जब भी हम उसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, ये सर्किट को हम समझेंगे। देखिए, फिगर 12.15 इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स। ये एक एग्जांपल है वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स से, ठीक है। देखो, ये लाइव वायर, दो तरीके के वायर है, लाइव वायर और ये क्या हो गया, न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में आए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारा होता है उसमें एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। अगर किसी तरीके से अगर ज्यादा करंट आया तो हमारे घर के रेटिंग के हिसाब से ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगी और यहीं पे क्या हो जाएगी, सर्किट यहीं पे क्या हो जाएगी, सर्किट कट हो जाएगी, ठीक है। फ्यूज का फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये
आगे पढ़ के स्टेप बाय स्टेप ही समझते हैं, ताकि क्या हो जाएगा आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम वापस से एक्सप्लेन करने के बाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। तो हम देखो एक बार और आपको बताता हूं। देखिए फिगर 12.15 गिव्स ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट ईच अप्लायंस हैज ए सेपरेट स्विच टू ऑन एंड ऑफ, हर एक को एक सेपरेट स्विच रहता है ऑन एंड ऑफ रहने के लिए। आप अपने घर में देखे होंगे कि हर सबको एक एक स्विच दिया रहता है ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो स्विचेस किधर है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर इस सर्किट, ठीक है। मैं इसको डायग्राम को आपको अच्छे से पूरा समझाऊंगा। देखिए इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स रहते हैं उसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उधर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ ये वाला पॉइंट कौन सा, कि इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डोमेस्टिक सर्किट्स क्यों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस, पहला तो एक पॉइंट होता है कि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलने चाहिए सबको, मतलब इक्वल वोल्टेज मिलने के लिए, ठीक है। तो आप सीरीज और पैरेलल सर्किट्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए जो सीरीज सर्किट्स रहती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, डिवाइसेस ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में, ठीक है, और ये रहता है वोल्टेज। अब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया वोल्टेज, और इसमें एक करंट पास होता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो ओम्स लॉ है वो क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब ये जो अप्लायंस आर वन है, अप्लायंस नंबर वन, अप्लायंस नंबर टू, अप्लायंस नंबर थ्री, अब ये आर वन के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो क्या है, वी वन। तो वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, वी वन किस पे डिपेंड करेगा, आर वन के ऊपर। वी वन किस पे डिपेंड करेगा, आई इंटू आर वन, करंट तो सेम रह गया लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो इसका वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी टू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर टू, और वी थ्री कितना हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री, समझ गए। तो ये अप्लायंसेस अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज लेने चालू कर देंगे सीरीज सर्किट में बेस्ड ऑन देयर रेजिस्टेंसेस। बट पैरेलल में क्या फायदा है, देखो इधर देखो नीचे की तरफ, पैरेलल में क्या फायदा है, ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी, ठीक है। अब ये तीनों कनेक्ट हो गए और ये इधर आ जाता है हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो इधर क्या हो गया था, वोल्टेज डिवाइड हो गया था V1, V2, V3, लेकिन इधर क्या है, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखो R1 की वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, देखो ये वाला इधर और ये वाला इधर, R2 को भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है और R3 को भी वही दो पॉइंट में उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज बराबर मिलने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट्स में अरेंज करते हैं, ठीक है, पैरेलल सर्किट्स में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट आगे हम जाके समझेंगे, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं फिर हम आगे समझेंगे। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज है उसके बारे में बता रहा है, मैं इसको जरा छोटा कर देता हूं, देखिए तो इसको आपको समझने में इजी रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सर्किट्स में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने उधर पढ़ा होगा। अ फ्यूज इन ए सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस, फ्यूज की फंक्शन क्या होगी,
A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. Overloading हो गया तो सबसे पहले शहीद होने वाला चीज कौन सा है? फ्यूज है. फ्यूज ही आपको सबसे पहले अपना लाइफ देगा और क्या करेगा, सारा सब चीज को बचा लेगा. अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग. ओके, फ्यूज सबसे पहले अपने आप को खत्म करता है. किधर? कुछ भी सर्किट में डैमेज होने से पहले क्या करता है? फ्यूज बचाता है. तो फ्यूज क्या हो गया? आपके सर्किट का प्रोटेक्टर हो गया, आपका सर्किट का सेवियर हो गया. अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग. ठीक है, अब क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि ओवरलोडिंग क्या होता है. एक क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज ओवरलोडिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिए. सो डेफिनेशन ऑफ ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग कब होगा? ओवरलोडिंग कैन ऑकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आपकी इंसुलेशन डैमेज हो गई, ठीक है, केबल जा रही है और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ आपके घर में आए हैं और किसी तरीके से क्या हो गया कि वो कि कहीं दब गया या कहीं पिंच हो गया या कुछ किसी तरीके से डैमेज हो गया और वो दोनों वायर एक दूसरे को टच हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? ओवरलोडिंग हो जाता है. ओवरलोडिंग क्यों होता है, यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ठीक है. ओवरलोडिंग विल ऑकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर विल कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और ये कब होगा? व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज ए फॉल्ट इन द अप्लायंस. अप्लायंस में भी फॉल्ट अगर होगा, ठीक है, आपकी अप्लायंस खराब हो गई है, आपके घर में जो सामान यूज कर रहे हैं वो खराब हो गई है, तो उसके वजह से भी दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, या आपके वायर की इंसुलेशन डैमेज हो गई है तो भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हमारे ओवरलोडिंग कर सकते हैं. और ओवरलोडिंग बहुत डेंजरस रहता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमको इससे बचाता है. ये हमारा सेवियर है, किसका? डोमेस्टिक सर्किट्स का. अब अगर ओवरलोडिंग हो गया तो क्या होता है? इन सच ए सिचुएशन द करेंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस. ठीक है, अगर आपकी ओवरलोडिंग हो गई तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइव वायर करंट लेके जाता है, न्यूट्रल वायर करंट लेके आ रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए तो करंट बहुत ज्यादा हो जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग. क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक टर्म्स में? शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो यहां पर इस पैराग्राफ में एक तो आ गया कि क्वेश्चन क्या क्या आ गया, फ्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि फ्यूज का फंक्शन क्या है, फिर दूसरा एक क्वेश्चन आ गया कि ओवरलोडिंग क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है. ठीक है, अब फंक्शन ऑफ फ्यूज अच्छे से बता रहा है. द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज by stopping the flow of unduly high electric current. ठीक है, तो fuse क्या करता है, आपके electric circuit को बचाता है, आपके appliance को बचाता है, किससे? possible damage होने से. क्यों damage होगा? क्योंकि आपके दोनों आपके short circuit के वजह से current की value बहुत ज़्यादा हो गई है, current की value बहुत high हो गई है और वो आपके circuit को ख़राब करने जा रही है. लेकिन ये fuse prevent कैसे करता है, आपके सर्किट को डैमेज होने से प्रिवेंट कैसे करता है, वो किससे प्रिवेंट करता है? तो फ्यूज किसके ऊपर बेस्ड है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस्ड है. द जूल्स हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट. ठीक है, तो फ्यूज को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है. आपके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फ्यूज की एम्पियर रेटिंग होती है, ठीक है, लोअर रेटिंग से लेके हायर रेटिंग तक फ्यूजेस डिजाइन होते हैं डिपेंडिंग अपन द सर्किट्स कि कितने एम्पियर, कितना एम्पियर आपके घर में यूज हो रहा है. ठीक है, तो इंडिविजुअल सर्किट्स के लिए हमारे फ्यूज डिजाइन होते हैं. वो फ्यूज ऐसे डिजाइन होते हैं कि अगर आपका एक 5 एम्पियर का, इधर देखिए, अगर आपका एक 5 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है, तो वो इस हिसाब से बनाया गया है. उस वो फ्यूज भी क्या, एक मेटेलिक पार्टी है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको
करंट को फ्लो कर रहा है वो एक मेटलिक तो बोलना सही नहीं रहेगा, वो एक कंडक्टर है। अब कोई भी कंडक्टर आप ले लो, वो एक तरीके का कंडक्टर है जो कि करंट को पास करा रहा है। तो फ्यूज एक ऐसा हो गया कि अगर 5 एम्पियर का फ्यूज हमने लगाया है घर में, वो फ्यूज ऐसा डिजाइंड होता है कि अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट उसमें दे दिया तो वो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है। मतलब वो फ्यूज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब पाथ को क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस कर देता है। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि एक स्कीमेटिक सर्किट किसको बोलते हैं, अगर पाथ क्लोज हो, अगर पाथ क्लोज हो, ठीक है। और किसी तरीके से अगर हम लोग पाथ को ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आप उसमें बैटरी लगा दिए तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पाथ क्या है, क्लोज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पाथ क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओवरलोडिंग और किससे हो सकता है, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। अब आपके घर में जो वायर आ रही है, जो मेन मीटर में जो वायर आ रही है, वहीं पे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, ज्यादा वोल्टेज आ गया तो देखो हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होता है, V बाई आर, और आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, न्यूमेटर को बढ़ा दिया, हमारा घर का लोड जो रेजिस्टेंस है वो तो कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखो आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो न्यूमेटर बढ़ गया तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज भी अगर किसी तरीके से बढ़ जाता है तो भी ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। और एक ओवरलोडिंग कब होता है, देखो और एक ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट। अगर आप एक ही सॉकेट को क्या करोगे, एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाता है, हर एक सॉकेट जो घर में लगी रहती है उसकी एक एम्पियर रेटिंग डिजाइन होती है। सपोज एक 5 एम्पियर का प्लग है, ठीक है, 5 एम्पियर का प्लग छोटे मोटे, या 15 एम्पियर का प्लग है जिसको हम लोग को एसी, एक एसी के लिए यूज करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि वहां से आपने एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया और आपने क्या किया कि उसमें आपने 3 AC कनेक्ट कर दिए। अब 3 AC अगर कनेक्ट कर दिए तो सपोज एक AC 15 एम्पियर लेगा तो 15 × 15 × 15 45 एम्पियर आप उस एक्सटेंशन बोर्ड से खिंचवा लिए। अब वो लेकिन देने वाला कौन है, जो मेन सर्किट का बोर्ड है, तो वो तो खराब हो ही जाएगा ना, तो वो भी ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो आपको ओवरलोडिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। तो एक बार हम ये स्कीमेटिक डायग्राम रैप करने के पहले स्कीमेटिक डायग्राम को एक बार और देख लेते हैं। देखिए आपके पास एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है और एक अर्थ वायर है। लाइव वायर करंट लेके जाता है, ठीक है, और न्यूट्रल वायर करंट लेके वापस आता है। जितना करंट जनरेट हुआ उतना करंट हमको वापस चाहिए, तो भेजने के टाइम लाइव वायर लेके आया और लाने के टाइम पे न्यूट्रल वायर लेके आया, ठीक है। अर्थ वायर हमको प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, उसके मेटल पार्ट में कनेक्ट होता है। तो अब हम एक बार लाइव वायर के इसमें जाते हैं। देखो लाइव वायर ऐसे आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में, लाइव वायर ऐसे आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में गया, यहाँ से वो इधर आया इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गया, ताकि आप घर में कितना करंट यूज कर रहे हो वो यहाँ पे कैलकुलेट हो सके, कितना करंट आप जनरेशन स्टेशन से ड्रॉ कर रहे हो। फिर हम इधर आ गए, आगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गए। घर के अंदर जैसे ही हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारे स्विचेस रहते हैं और फ्यूजेस रहते हैं, वो सर्किट से पास होता हुआ वो इधर आया, इधर से इधर गया, पहले सॉकेट में गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, फिर ये दूसरा सॉकेट में गया, फिर ये तीसरा सॉकेट में गया, ओके। अब ये लाइव वायर इधर इधर करंट आके बैठा है, कहाँ पर, यहाँ पे करंट आके बैठा है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल वायर ऐसे आया, ठीक है,
न्यूट्रल वायर इधर है, तो न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट हम यहां से उल्टा समझते हैं, यहां से समझते हैं, करंट यहां आ गया, डिवाइस में गया, पहला डिवाइस से हो डिवाइस में, यहां से वो डिवाइस में चला गया, डिवाइस में जाके फिर न्यूट्रल वायर ऐसे आया, ठीक है, करंट लेके इस डिवाइस से वापस से उसने इस करंट को इधर दे दिया, दूसरे डिवाइस में लाइव वायर का करंट इधर आया था, वो डिवाइस में गया, फिर डिवाइस अपना काम कर रहा है और फिर करंट यहाँ पर लौटा, फिर इधर गया, फिर करंट डिवाइस में गया, फिर वो अपना काम कर रहा है और फिर करंट यहाँ से न्यूट्रल पाथ से इधर लौट गया, ठीक है। तो ये था, कभी भी एक लीकेज करंट प्रोड्यूस हुआ तो ये जो अर्थ वायर रहता है वो ये प्लग में क्या रहता है, मशीन जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, जो हम सामान यूज करते हैं उसका सॉकेट यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, प्लग इसमें लगा हुआ रहता है। अब क्या हो गया कि यहाँ से और वो जो आया है वो कोई भी डिवाइसेस के उसके मेटेलिक पार्ट में लगा रहता है और मेटेलिक पार्ट से ये वाला बड़ी वाली पिन कनेक्ट होती है। अब ये बड़ी वाली पिन को हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सबको ले जाके हमने क्या किया, एक अर्थिंग पिट में कनेक्ट कर दिया है जो कि अर्थ का पोटेंशियल पे रहता है। तो कभी भी एक लीकेज करंट आया तो वो क्या हो जाएगा, मेटेलिक पार्ट में कोई भी लीकेज करंट आया तो वो यहाँ से मूव होता हुआ अर्थ के साथ अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का घर का एक डोमेस्टिक सैंपल, डोमेस्टिक सर्किट्स था, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस हैं आप करो, और ये वाला जो पोर्शन है व्हाट यू हैव लर्नड, ये आप अच्छे से देखो, ये व्हाट यू हैव लर्नड में आपका चैप्टर का जिस्ट रहता है। तो इसमें क्या रहता है, कभी भी आप वीकली रिवाइज करते हो, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आपको उसको रिवाइज करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे अच्छा पोर्शन है आपको रिवाइज करने के लिए। आप इसको बीच बीच में देखते रहो एक वन वीक के फ्रीक्वेंसी में, तो इसमें क्या रहता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं, रिमेम्बर होते जाते हैं और आपको दिमाग में बैठे रहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ नट सेल में एक वन पेज में आपको दे दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे एक्सरसाइजेस रहेंगे, मैं होगा तो एक्सरसाइजेस के ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको मीनवाइल इसमें से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के दे दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, और आगे की चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।